अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आज की जो वीडियो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ पर है। तो आज हम उसकी एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो कैसे बनती हैं जैसे एंट्रीज़ हैं इंशाल्लाह। उसकी जो एंट्रीज़ की जो केसेस हैं वो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज़ कैसे बनती हैं। मोस्टली जो सारी एंट्रीज़ हैं वो यही बनती हैं, तो वो आज मैंने ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको इसका डिटेल थोड़ा सा बताऊँगी उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आपके पास एंट्री है वो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपके पास है तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। नेक्स्ट आपके पास है एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपके डेप्रिसिएशन जो है एडजस्टमेंट में जो होगी वो उस हिसाब से होगी, तो आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट आपके पास है अलाउंस फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। तो जो आपके एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे वो आपके यहाँ पे होगा, तो जैसे आपके पास होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। जो आपके पास होगी जो अनपेड अमाउंट होगी वो आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी। तो इसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे आपके पास वर्ड आपको शोन होंगे आपके एडजस्टमेंट में, जैसे हो गया अनपेड हो गया, एक्रूड हो गया, पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू बट नॉट पेड ये हो गया, तो ये आपके पास जो आपके एडजस्टमेंट में मौजूद होंगे उस हिसाब से आपके पास जो एंट्री बनेगी उस हिसाब से बनेगी। जैसे आपके पास हो गया सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। और आपके ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज लेस देन एडजस्टमेंट डेट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ये होगा। एडजस्टमेंट फॉर एक्रूड इनकम, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट विद रिसीवेबल अमाउंट के साथ होगा। और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्रूड इनकम। इसके बाद आपके एडजस्टमेंट में जो आपके पास वर्ड जो आपके शो हो रहे होंगे एक्रूड रिसीवेबल अर्न बट नॉट रिसीव, तो उसमें आपके पास ये वाली एंट्री बनेगी। जैसे आपके पास कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। और ट्रायल बैलेंस में इसका जो अमाउंट होगा इनकम का वो लेस देन एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ इनकम होगा, सही है। और फिफ्थ है एडजस्टमेंट फॉर सप्लाईज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स। तो आपके पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट विद सप्लाईज यूज्ड अमाउंट। और इन दोनों में आपके पास जो होगी वो यूज्ड अमाउंट लिखी जाएगी फिफ्थ वाली में। नाउ आपके पास सिक्स्थ है एडजस्टमेंट फॉर सप्लाईज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। तो आपके पास होगी इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। और आपके पास जो आपके ऑफिस आपकी जो सप्लाईज होगी इसमें जो होगी अनयूज्ड रिकॉर्ड की जाएगी। इस वाली पहली जो आपके ऊपर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट में जो होगी यूज होगी, और एज एक्सपेंस में आपके पास जो सप्लाईज की जो अमाउंट हुई वो अनयूज्ड आपके पास रिकॉर्ड की जाएगी। और आपके पास अब ये सेवन्थ वाली एंट्री आई है एडजस्टमेंट फॉर प्री पेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट। जो आपको प्री पेमेंट का मतलब है एडवांस में पेमेंट होना। तो जो आपके पास एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, जो आपके पास एक्सपेंस अमाउंट के साथ होगी। तो आपके पास इसका ये होगी आपके यानी आपको प्रीपेड मतलब आपने पहले से आपने प्री पेमेंट का मतलब जो हुआ कि आपने जो एडवांस में आपने वो सामान या उस चीज़ की आपने पेमेंट कर दिए, तो आपके पास एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। और इसमें आपके पास अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर सिर्फ इंश्योरेंस ही हो, उसके बदले आपके पास रेंट भी हो सकता है और ऑफिस सप्लाईज भी हो सकता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ट्रायल बैलेंस अमाउंट जो है इसका ज़्यादा होगा एडजस्टमेंट अमाउंट से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है एट एंट्री एडजस्टमेंट फॉर प्री पेमेंट इनिशियल रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। अब एक्सपेंस पे आया है कि आपने प्री पेमेंट यानी एडवांस में आपने एक्सपेंस को पे किया है, तो आपके पास ये होगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। और इसकी जो अमाउंट होगी विद प्रीपेड अमाउंट के साथ, जो आपकी प्रीपेड अमाउंट होगी उस पर आपकी लिखी जाएगी। और आपको इसमें भी यही है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंश्योरेंस ही लिखा हो, तो आपके पास यहाँ पर रेंट भी लिखा हो सकता है और ऑफिस सप्लाईज भी लिखा हो सकता है। और इसमें भी आपकी जो ट्रायल बैलेंस अमाउंट जो है वो इस एडजस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा होगा। ओके, नाइन्थ वन एडजस्टमेंट फॉर अनअर्न इनिशियली रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी। तो आपके पास अनअर्न इनिशियली आपके पास रिकॉर्ड किया गया है लाइबिलिटी में इनिशियली, तो आपके पास इसकी एंट्री जो बनेगी अनअर्न कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट विद इनकम अमाउंट।
और इसमें जो होगा इसमें भी यानी इसमें भी आपने कमीशन की जगह आपके पास कुछ और भी लिखा जा लिखा आ सकता है, रेंट हो गया और कुछ भी, तो आप इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके इसके आइडेंटिफिकेशन इसमें भी जो है ट्रायल बैलेंस जो है वो एडजस्टमेंट से ज़्यादा होगा। द टेंथ वन जो है आपके एडजस्टमेंट अर्न इनिशियली रिकॉर्डेड एज इनकम, तो आपके पास एंट्री बनेगी कमीशन इनकम डेबिट अर्न अर्न कमीशन क्रेडिट। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन और ये जो है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कमीशन ही लिखाओ, अर्न अर्न रेंट लिखाओ या कुछ और भी, तो वो हम इसमें इसकी जगह हम वो कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन भी इसकी यही है कि ये ट्रायल बैलेंस से ज़्यादा होगा एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट से ज़्यादा होगा। तो जी आज की वीडियो कुछ इस तरह की थी, अगर आपको अच्छी लगी हो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।